सबसे पहले आप त्याग करना सीखो, कुछ भी त्याग करना सीखो, छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर के बड़ी से बड़ी वस्तुओं तक। जब हम छोटी छोटी वस्तुओं का, छोटी छोटी सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर सकते, तो अहंकार का त्याग क्या करेंगे, शरीर का त्याग क्या करेंगे, मन का त्याग क्या करेंगे, विचारों का त्याग क्या करेंगे। अगर अंदर से छोटी छोटी चीज़ें त्यागने लगेंगे, एक दिन हम सब इन विषय विकारों काम क्रोध को त्याग करके उस सत्य के मार्ग पर चलने लगेंगे। लेकिन बिना त्याग के वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। एक एक चीज़ें करके हमें छोड़नी पड़ेंगी, जिनको हम इतना प्रेम करते हैं कि छोटी वस्त्रों तक को हम इतना प्रेम करते हैं कि एक वस्त्र अगर फट भी गया तो भी संभाल करके रखते हैं, बचपन के वस्त्रों को संभाल करके रखते हैं, युवावस्था के वस्त्रों को संभाल करके रखते हैं, शादी के वस्त्रों को संभाल करके रखते हैं। ये हालत तो वस्त्रों की है, जिनकी कोई अहमियत ही नहीं, जिनको आपके जाने के बाद आपके साथ ही चिता के ऊपर डाल दिया जाएगा, और अगर चिता के ऊपर नहीं डाला तो उठा उठा करके अलमारियों से बांट दिया जाएगा। क्या काम आएंगे फिर वो आपके, कहाँ ले करके जाओगे। एक एक वस्तु के हम इतना बुरी तरह से लिपट गए हैं कि हमने सारे संसार को अपना मान लिया और सारा सब कुछ ध्यान इतना फैला दिया कि वो समेटे हुए सिमट नहीं रहा। जब आप ध्यान के ऊपर बैठते हैं, कमर सीधी तक नहीं कर सकते, कमर सीधी करना एक घंटे बैठना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है आप लोगों के लिए, तो सिद्धावस्था और परमात्मा की प्राप्ति कितनी दूर होगी। वो हमारे योगीजन कई कई दिनों तक समाधि में रहते थे, सांसों के ऊपर पकड़ इतनी थी कि कई कई दिन जल के अंदर बैठे रहते थे, तपस्या करते रहते थे, प्राणायाम के द्वारा प्राण को साध करके तीन तीन दिन, 21 दिन तक, महीने तक समाधि के अंदर बैठे रहते थे। कुछ लोग सोचते हैं ये पुराने ज़माने की बोली हुई बात है, आज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, आज भी ऐसे महापुरुष हिमालय के अंदर हैं जो इच्छा से सांस लेते हैं और सांस ले करके एनर्जी को ग्रहण करके फिर सांस को रोक करके क्रिया प्रतिक्रिया को रोक करके ध्यान में मगन हो जाते हैं। ऐसे ऐसे योगी इस धरा के ऊपर मौजूद हैं, गए नहीं हैं। जब आप इस मार्ग पर चलोगे, साधना के मार्ग पर चलोगे, तब आपको उन योगियों के रहस्य सामने दिखेंगे। ऐसे ऐसे योगी हुए जिन्होंने बहुत लंबी अवस्था तक शरीर धारण करके रखा, लेकिन मात्र शरीर धारण करके लंबा रखने से जीवन मुक्ति नहीं होती। कुछ जीव ऐसे इस संसार के अंदर जो कुछ पल ही पैदा हुए कि आपके श्वास के साथ पैदा हुए, उसी में विलीन हो गए। कितना समय लगा, कुछ लोग इस ब्रह्मांड के अंदर इतने देवी देवता, इतनी ऊंची लंबी आयु के हैं कि वो चार चार युग और 1000 चतुर्युग की जिनकी आयु है, लेकिन उस शरीर और समय का क्या लाभ जो भजन न कर पाए और उसकी प्राप्ति न कर पाए। चाहे एक पल की आयु हो, चाहे हजारों चतुर्युग की आयु हो, जब तक हम उस भजन और उस सिमरण को समझ नहीं पाए, उस रास्ते के ऊपर नहीं चल पाए, परमात्मा के शरणागत नहीं हो पाए, फिर घूम करके इसी सृष्टि चक्र में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, भागते रहेंगे। आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है, लेकिन जो ये शरीर आपको मिला है, इससे आप आगे आने वाले समय को, ऊपर जाने वाली घटनाओं को, इस शरीर को छोड़ करके जाने वाली आत्मा को पवित्र करके आप इतनी ऊंची स्थिति तक ले जा सकते हैं कि जीवन मुक्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। जब आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, सब जिनकी आप पूजा पाठ करते हो, जिन देवी देवताओं को आप श्रेष्ठ समझते हो, वो तो आपके आगे पीछे पुष्प बिखेरते फिरेंगे। कितनी ताकत होगी इस आत्मा के अंदर,
बहुत सी पीढ़ियां आपकी बिना पूछे ही ऊपर चढ़ा दी जाएंगी। सबके सब जीव, चाहे जिन्होंने जन्म लिया चाहे बिना जन्म के घूम रहे हैं, सबके सब उठा करके वहां भेज दिए जाएंगे और जीवन मुक्त कर दिए जाएंगे। कितनी ताकतवर चीज है ये, जो पूर्वजों से लेकर के आप तक सबका कल्याण कर देती है। लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलोगे तभी ये हो पाएगा, केवल मात्र बातों से नहीं हो पाएगा। आप चाहे कितनी भी बातें करते रहे, कितनी भी इधर उधर की निंदा चुगली करते रहे, कि आप क्या समझते हो कि किसी को कुछ नहीं पता चलता आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या आपके शब्द हैं, कैसे आपका व्यवहार है, क्या समझते हैं, कुछ नहीं पता चलता। एक एक शब्द आपका वहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, एक एक कर्म आपका लिखा जाता है, एक एक कदम आपका जो चलते हो, जैसा व्यवहार करते हो, जैसे बोलते हो, जैसे खाते पीते हो, सब का सब कुछ वही लिखा जाता है। अगर आपका आहार शुद्ध नहीं हुआ तो व्यवहार शुद्ध कैसे होगा। जब तक आप खून पसीने की कमाई से आप भोजन नहीं करोगे तब तक आपका मन इसी प्रकार से भागता रहेगा। आप पकड़ करके ले करके आओगे फिर भागने लगेगा। ये बहुत रहस्य की बातें हैं, जो आप जितना विशाल सोचने लगोगे, इस बुद्धि को जितना खोलोगे, जितना आप शब्द को पकड़ने की कोशिश करोगे, शब्द के साथ उठने का प्रयास करोगे, उतना ही ये मार्ग आपको दिखाई देने लगेगा। आप स्वयं अपने ऊपर अनुभव करके देखिए, क्या मैं ये जो बोल रहा हूँ ये सच है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। बिना अनुभव के किसी को कुछ नहीं पता चलता, सत्य है या असत्य है, झूठ है सच है, वैसे ही बोल रहे हैं या अनुभव की हुई चीज़ें हैं, शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ें हैं, संतों के द्वारा वर्णन की गई चीज़ें, क्या है ये, क्या हो सकता है, कैसे पता चलेगा। ये पता तभी चलेगा जब आप इनका अपने ऊपर प्रयोग करोगे। जब आप अपने ऊपर इसका प्रयोग करने लगोगे तो सबके सब रहस्य सामने खुलने लगेंगे, और जो रहस्य खुलेंगे हर रोज नया आश्चर्य होगा। अब आप छोटा मोटा सपना देख लेते हो लेटे हुए बैठे हुए, तो बहुत आपके अंदर इतना हो जाता है, आप इतने उत्तेजित हो जाते हो, मैंने तो पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया, क्या मिल गया मुझे, किसी छोटे मोटे देव के दर्शन हो गए तो आपको लगता है बस मेरा तो कल्याण हो गया। अरे उनका कल्याण नहीं हुआ, जो युद्ध के समय राम और कृष्ण के सामने थे, जो उनके साथ युद्ध कर रहे थे, जामवंत को देख लीजिए, उनका कल्याण नहीं हुआ तो आप लोगों का कैसे कल्याण होगा। उन्होंने मार्ग बताया, चलने का रास्ता बताया, मंजिल बताई कि कहाँ से गुजर करके जाना है, ये बताया उन्होंने, सब के सब रहस्य आपके सामने खोल दिए, फिर भी आप समझने सुनने और वहाँ चढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि भयभीत हो, आलसी हो, कि आज तो सो जाते हैं कल देखेंगे कल का क्या होता है, अरे आज तो बड़ा ठंडी हवा लग रही है, आज तो सो लेने दो, ये शरीर थक गया है, आज तो गए ही थे गुरुजी के पास, आज क्या ज़रूरत है वजन की, आज वजन की आवश्यकता नहीं, वहीं हो जाएगा वजन जो होना है, आज कोई ज़रूरत नहीं है, आज तो बस सोने दो मुझे अच्छी तरह से। ये जो आपका आलस है, ये जो आलस से भरा हुआ जीवन है, ये आजकल जो चल रहा है, ये आजकल आपके समय को ख़त्म कर देगा।